हेलो बच्चों वेरी गुड इवनिंग क्या आप सबको आवाज आ रही बेटा मेरी क्या आप सबको आवाज आ रही ओके okay, तो कमान बच्चों जल्दी से आ जाइए फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं नीट पंचायत की सीरीज है बेटा ये नीट पंचायत और नीट पंचायत में आज का टॉपिक हमारा है फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार मैंने एमबीबीएस किया है केजेमयू कि लखनऊ से सिलेक्शन हुआ था मेरा 2010 में और 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं 2021 चल रहा है तो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो डॉक्टर बनने के लिए आप पढ़ रहे हैं एक डॉक्टर से एक्चुअल डॉक्टर कोई पी वाले डॉक्टर नहीं है ये इन्होंने आपकी तरह मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था ये सर दिखाई दे रहे हैं ना आपको आइन की बात कर रहे हैं क्योंकि तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनका मानना है कि पीएचडी करना जरूरी होता है चलो ठीक है तो स्टार्ट किया जाए बाकी मेरे बारे में तो जानते ही हो ऑथर ऑफ द बायो नीट बुक एनसीआई टेबलेट बुक और ये कुछ बैचेज हैं ट्वेंटी एर्थ हाफ मार्च से अर्ली एनथियज बैच की शुरुआत हो चुकी जो बच्चे नीट दो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसके अलावा थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च यानी आज से प्रैक्टिस लास्ट ट्वेंटी ईयर पी वाई क्यूज इसकी शुरुआत हो चुकी है अनकेडमी लर्निंग ऐप पर साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं ये ऑफर आज रात में बारह बजे तक है प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तीन महीने का तो इसमें चार महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा इकतीस जुलाई तक का कोड कौन सा यूज करेंगे एच जी लाइव कोड का आप यूज करेंगे प्लस आइकॉनिक या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उसके लिए इस कोड का यूज करेंगे अच्छा श्रद्धा करें आई वॉज बॉर्न इन टू थाउजेंड इलेवन अच्छा अच्छा मुस्ताक कह रहे हैं कि सर आप मोटे हो रहे हैं वेट कम करिए हाँ यार सही कह रहे हो चलो आज से खाना पीना बंद पीडीएफ अरे पढ़ तो लो बेटा पहले फिर पीडीएफ लेते हैं ठीक है तो अच्छा अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अच्छा जैसे कॉम्बैट आपको देना है तो इसके लिए भी एच जी लाइव कोड यूज़ कर लो फ्री में टेस्ट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी आपको हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी कल क्या पढ़ाएंगे नौ बजे कल नौ बजे वाली जो क्लास है बेटा अच्छा हाँ ये तो आपका यूनिट कम्प्लीट हो रहा है ना तो कल ऐसा करते हैं कल तुम लोग क्या पढ़ोगे हाँ? कौन सी यूनिट बची है आपके अच्छा हिमांशु कर रहे हैं <laughs> हाँ आशीर्वाद तो मेरा है ही है बेटा आप सब लोगों के साथ में अखिलेश मैं ठीक हूँ बेटा एकदम एम में एम में, में देखते हैं बेटा अभी सोचते हैं जरा एम के बारे में कि एम में कौन सा टॉपिक कराऊंगा

वी सीरीज की जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ना आज का हमारा टॉपिक जो वी सीरीज का है वो है मिनरल न्यूट्रिशन कल मैं ऐसा करूंगा कि कल आपको कंबाइंड क्वेश्चन करा दूंगा सही रहेगा कल मैं आपको स्ट्रेटेजी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर अच्छा कल का चैप्टर तो अभी बाकी है ना कल अभी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी तो बाकी है बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है ना सेट सीरीज अच्छा सेट सीरीज हाँ बेटा अब टीम आ आ जाए वापस फिर मैं कराता हूँ एक मिनट बस दीजिएगा मुझे है, तो ऐप पे डेली लाइव क्लासेस आपको मिल जाती हैं लाइव टेस्ट विजेज ये सब फ्री में आपको मिल जाता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल फ्री लाइव क्लासेस मेरी भी दो चल रही हैं तो आप देख सकते हैं हाँ नवनीत बिल्कुल बेटा आपकी चलिए जल्दी से अपने फ्रेंड को शेयर करिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं मेरा कोड है एच जी आई तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा टाइम कितना हो रहा है टेन फिफ्टी दस बज के पंद्रह मिनट हो रहा है देखते हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन आज हम करते नहीं आ रहा है चलो अभी क्लियर आ रही है आवाज बेटा क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी वॉइस क्लियर है बेटा जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से ठीक है चलो पहला सवाल सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना क्वेश्चन नंबर वन के लिए कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल बिल्कुल सही है कैलस अनऑर्गेनाइज मास होता है ग्रोथ ऑफ कैलस कल्चर इज फास्टर देन सस्पेंशन कल्चर नहीं पता चलो देखते हैं आगे इन कैलस कल्चर इफ हाई ऑक्सीजन टू रेशियो इज देन रूट आर रूट का फॉर्मेशन कौन कराता है ऑक्सीजन कराता है बिल्कुल सही तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा रखोगे तो रूट बन जाएंगे इन कैलस कल्चर इफ हाई टू रेशियो इज साइटोकान सूट का फॉर्मेशन कराता है तो हमें पता है कि ए सी डी तो सही है इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर स्लो हो जाएगा ये स्लोवर तो कैलस कल्चर स्लो होता है सस्पेंशन कल्चर के कंपैरिजन में द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन कि जानवरों को जो चाला चारा खिलाया जाता है चाला जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है उसको साइंटिफिक मैनर में अगर हम यूज करें तो हम किस पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर टू क्वालिटी ऑफ फ़ॉर्डर पे या फिर क्वांटिटी ऑफ फ़ॉर्डर। फॉर्डर मतलब समझते हो ना चारा चारा क्वालिटी <laughs> पे ध्यान देना कि क्वांटिटी पे दोनों पे क्या चारा आप खा रहे हो और कितना खा रहे हो दोनों चीजें मैटर करती हैं ना तो बोथ दोनों पे ध्यान देना है ठीक आगे बढ़े विच वन ऑफ द फॉलोविंग मैथड इज़ कॉमनली यूज टू मैंटेन द जेनेटिक ट्रेड ऑफ ए गिवन प्लांट जेनेटिक ट्रेड को अगर हमें मेनटेन करना है तो उसके लिए हम किस का यूज करेंगे जेनेटिक ट्रेड मेंटेन करने का मतलब हमें वेरिएशन क्रिएट नहीं करनी है ये ध्यान दो हमें वेरिएशन नहीं चाहिए हमें जेनेटिक ट्रेड को मेंटेन करना हमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए तो वेरिएशन नहीं चाहिए तो क्या हम सीड का यूज करेंगे नहीं सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्शुअल प्रोडक्शन वेरिएशन कॉज कर देंगे बेटा है By generating hybrid, ना बाई जनरेटिंग हाइब्रिड ना हाइब्रिड से भी वेरिएशन आ जाएंगे बाई ट्रीटिंग यूज नहीं करेंगे बाई प्रोपिगेटिंग थ्रू वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन वेजिटेटिव ए सेक्शुअल है और ए सेक्शुअल में कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होती है द ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल फॉर टिश्यू कल्चरिंग इज कॉल्ड कि टिश्यू कल्चर के लिए जो से, सेल इनिशियल होती जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं टिश्यू कल्चर में कंप्लीट प्लांट अगर हमें जनरेट करना है तो उसके लिए जहां से हम शुरुआत करते हैं उसे क्या कहते हैं दैट इज एज नहीं बेटा सुमन ज्यादा लेट नहीं है बस चार सवाल अभी हुए हैं एक्सप्लांट कहोगे इसे ना एक्सप्लांट इनिशियल ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट एक्सप्लांट वो पार्ट होता है प्लांट का जिससे हम न्यू प्लांट रीजनरेट करते हैं पूरा नया प्लांट रीजनरेट कर लेते हैं सस्टेंशियल एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड सस्टेनेबल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम क्या शामिल नहीं करते हैं सस्टेनेबल देखो सस्टेनेबल का मतलब यह होता है कि हम कोई भी फर्टिलाइजर का यूज ना करें नो फर्टिलाइजर नो पेस्टिसाइड इन सब का हम यूज ना करें ठीक है नो फर्टिलाइजर नो पेस्टिसाइड इन सब का यूज हम ना करें तो नॉट इंक्लूड देखो इको फ्रेंडली में हम यूज नहीं करते हैं आईपीएम में यूज नहीं करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज नहीं करते हैं लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन में फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए इन दोनों का यूज किया गया था फर्टिलाइजर भी यूज किए गए थे और पेस्टिसाइड का भी यूज किया गया था इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है ओके दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है ये फॉलोइंग वेराइटी ऑफ प्लांट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एफिड एफिड से कौन इफेक्टिव होती क्वेश्चन नंबर सिक्स इसके लिए कोड मैंने बताया था आपको शायद याद हो बीजीए बी फॉर द ब्रेसिका बी फॉर ब्रेसिका ठीक है गौरव तो यानी पूछा गौरव हो जाएगा अच्छा सवाल है बेटा ये आसान नहीं है ये कठिन सवाल है ठीक है ज आर नोन टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पॉलीनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज़ पॉलीनेशन एफिशंसी इन क्रॉप प्लांट अगर हम क्रॉप uh, फील्ड की पॉलिनेशन एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन बेटा मोबाइल का साउंड बढ़ा लो हिमांशु इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दुनिया की कहाँ पर है दुनिया की सेवेंटी परसेंट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर एट आवाज आ रही होगी बेटा या साउंड में कोई दिक्कत आ रही किसी को हाँ इंडिया और चाइना दुनिया की सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में और सारे बच्चे लाइक तो कर दो ना लाइकों माइक्रो माइक्रोप्रोपिगेशन इज माइक्रो माइक्रोप्रोपिगेशन चलो माइक्रो माइक्रोप्रोफिगेशन का मतलब बताओ एक बार दीवार पे पटक के देख लो ना अपना फोन वॉइस हो सकता बढ़ जाए माइक्रो प्रोपगेशन क्या होगा यस yes, माइक्रो प्रोपिगेशन का मतलब द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टोटी पोटेंट सेल रिफर टू टोटी पोटेंट सेल का मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर टेन चलो टोटी पोटेंशियल क्या होती है बेटा टोटी पोटेंशियल एन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इन टू एम्ब्रियो या कंप्लीट प्लांट एन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इन टू ए सिस्टम और एंटायर प्लांट क्या करोगे आंसर एन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ कंप्लीट डेवलपिंग एंटायर प्लांट सी ऑप्शन करोगे बेटा यहाँ पर टेन का सी ऑप्शन करोगे ठीक है प्योर लाइन ब्रीड रिफर्स टू प्योर लाइन का मतलब क्या होता है जैसा आप लिखते नहीं थे कैपिटल टी कैपिटल टी प्योर लाइन है स्मॉल टी स्मॉल टी प्योर लाइन है तो प्योर लाइन का मतलब क्या होता है प्योर लाइन का मतलब प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगोसिटी ओनली विच हैज नॉट इवॉल्व फ्रॉम द साइलोफाइटोन साइलोफाइट से किसका एवोलूशन नहीं हुआ है साइलोफाइटॉन से कौन इवॉल्व नहीं होता है ये आपके एनसीआरटी में आपको एक फिगर में दिया गया और बहुत अच्छा सवाल है साइलोफाइटोन से कौन डेवलप नहीं हुआ है आरबोरिसेंट लाइकोपोड जो तो लाइकोपोड है वो साइलोफाइटोन से डेवलप नहीं हुए तो कोई मुझे बता सकता है कि साइलो जो लाइकोपोड है इनका डेवलपमेंट किससे हुआ साइलो का डेवलपमेंट किससे हुआ है साइलो लाइकोपोड का डेवलपमेंट किससे हुआ है सेट ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज फ्रॉम द फॉलोइंग कोई नहीं बताएगा एनसीआरटी के फिगर में आपको दिया गया बेटा यस प्रियरजन कुमार ट्रेकियोटर बिल्कुल सही आंसर है ट्रेकिट एंसेस्टर से इनका इवोल्यूशन हुआ है ठीक है फ्रेश वाटर फिशेज आपको बतानी कौन सी है फिशेस कौन से इसमें क्वेश्चन नंबर थर्टीन रोहू तो बेटा है लेकिन ईल जो होती है ये तो मैरीन वाटर में मृगाल और मलही ये दोनों फ्रेश वाटर हो जाएंगे थोड़ा सा कठिन सवाल है और आपके एनसीआरटी में नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कौन सा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इन कौन सा ऐसा है जिसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इन्वॉल्व नहीं एंथ्रोपोजेनिक मतलब है मैन मेड कौन सा मैन मेड एक्शन नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रीड ऑफ डॉग बिल्कुल ह्यूमन ने बनाई है डेवलपमेंट ऑफ वेराज ऑफ कैबेज पत्ता गोभी की कई सारी वेरायटीज होती हैं अभी परसों में सब्जी लेने गया था तो वहां पर मुझे पत्ता गोभी की एक वरायटी दिखाई दी पर्पल कलर की है ना पर्पल कलर का देखा है डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट ऑरियम जैसे मॉस्किटो डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज ऑफ मार्सुपियल मार्सुपियल ह्यूमन ने नहीं डेवलप किए हैं मार्सुपियल नेचर ने डेवलप किए एडोप्टिव रेडिएशन वाला केस है ना एडोप्टिव रेडिएशन विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ता ही कह रहे हैं कि सर आप भी सब्जी लेने जाते क्यों बेटा <laughs> अच्छा अच्छा गुलाबी भी आने लगी उस दिन में सब्जी लेने गया दो चार बच्चे भी मिल गए मुझे वहाँ पर है ना और मैं उनको पहचान भी नहीं पाया वा पैर वर छूए मैंने आशीर्वाद दिया मैंने कहा देखो और मैं ज़्यादा मतलब चलो ठीक है इंटरेस्ट वेसिफ हाइड्रेशन का एग्जाम्पल कौन सा है म्यूल हो जाएगा एन आउट क्रॉस विल हैव है आउट क्रॉस में parent कैसे होंगे आउट क्रॉसिंग की बात कर रहा बेटा ये आउट क्रॉसिंग आउट ब्रीडिंग के तीन तरीके होते हैं आउट क्रॉसिंग क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन अच्छा सवाल है अच्छा सवाल है ये आउट क्रॉसिंग में जो पेरेंट होते हैं वो कैसे होते हैं अच्छा हाँ फ्रॉम सेम ब्रीड बट विद नो कॉमन एंसेस्टर सेम ब्रीड के हैं लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए कॉर्न इज ए क्रॉप प्लांट ग्लो वर्म आर ऑर्गेनिज्म कॉर्न प्लांट विच ग्लो कि जो मक्का है मक्के को अगर हम ग्लो कराना चाहते हैं तो ग्लो वर्म से क्या करें जो ग्लो वर्म होता है ये लाइट प्रोड्यूस करता है जुगनू जिसे आप कहते हैं ना जुगनू तो क्या कर सकते हैं आप ग्लोवर्म तो आप जैसे आपने पेसिलस बी टी का जीन कॉटन में डाल दिया था ग्लोवर्म का जीन कॉर्न में डाल दो ट्रांसफरिंग जीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू एन अदर स्पीसीज आप ट्रांसजेनिक बना दो हो जाएगा प्रमांथ थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच ईस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम पेनिसिलियम एंड राइजोपस इन बींग ईस्ट जो होता है ये पेनिसिलियम और राइजोपस से अलग होता है कैसे अलग होता है बेटा ईस्ट राइजोपस और पेनिसिलियम से किस तरीके से अलग होता है यह है नीट पंचायत बेटा नीट की पंचायत है आ, आ, दे आर यूनि सेलर विदाउट माइशीलियम ईस्ट अकेला ऐसा फंजाई जिसमें माइशीलियम नहीं पाया जाता है एटलस सिक्सटी सिक्स एज एटल क्या है बेटा एटलस सिक्सटी सिक्स क्या है जोश हाउ इज द जोश उल हसन वेरी गुड इवनिंग बेटा हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट वीट वेराइटी में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है इन मोएट एम्ब्री ट्रांसफर इट मदर इज डन एट विज टेक्निक में एम्ब्रिय ट्रांसफर करते हैं किस स्टेज नंबर स्टेजन ट्वेंटी पे आ गए है ना मॉइड का फॉर्म भी बता दो आठ से बत्तीस पे एम्ब्रीओ ट्रांसफर करते हैं मॉइट का फुलफॉर्म क्या होगा साथ में लगे रहना है test, cushion, इसके सारे क्वेश्चन में आपको करा दूंगा बेटा ठीक है बस आपको साथ में लगे रहना है मॉइट क्या होता है मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है आदर्श करें और सरपंच और तुम लोग क्या हो कैसे डेवलप किया गया था बेटा हिजार्डल को डेवलप किया गया था क्रॉस ब्रीडिंग से क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप किया गया था एक क्रॉस ब्रीडिंग बहुत सारे बच्चे आउट ब्रीडिंग भी कर रहे हैं तो लेकिन आउट ब्रीडिंग में अच्छा एग्जाम्पल क्या है क्रॉस ब्रीडिंग क्योंकि आउट ब्रीडिंग में तो तीनों आ जाएंगे ए बी सी आ जाएंगे तो यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विच हैज बीन रिसेंटली यूज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सुपर मिल्क हाउस सुपर मिल्क हाउस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं यानी अगर हम किसी गाय से ज्यादा दूध लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे डॉक्टर आनंद मूर्ति के ने सर क्रैश क्लास कब से स्टार्ट होगी देखते हैं बेटा जल्दी स्टार्ट करते हैं <laughs> बहुत नालायक हैं कुछ लोग इसमें चलो ठीक है एक कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर ओवल्यूशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन इनटू कैरियर काउ या सैरोगेट मदर मोइट टेक्निक यही है बेटा इसी को मोइट कहा जाता है तो मोइट के द्वारा हम सुपर मिलकाउ को प्रोड्यूस कर सकते हैं मोइट टेक्निक के द्वारा

हाउ मेनी टाइम मियोसिस विल टेक प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटी वीट ग्रेन अगर एटी वीट ग्रेन बनाने हैं तो कितने मियोसिस होंगे तो इसका एक फार्मूला होता है बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है वीट ग्रेन बनाने का ग्रेन पूछा जाए सीड पूछा जाए एम्ब्रियो पूछा जाए ठीक है इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए यही फार्मूला यूज करोगे एट्टी का है तो फाइव इंटू एट्टी अपॉन फोर ये हो जाएगा ट्वेंटी और ये हो जाएगा हंड्रेड यस करेक्ट आंसर आ गया आपका ट्वेंटी फोर का ए आ जाएगा हिल्सा एंड मैक्रेल आर द दराइटीज ऑफ हिल्सा एंड मैक्रेल एक कोड होता है एस पीरियोडिक और एक कोड होता है आर तो आर में रोहू कैटला कॉमन कार्प आ जाएंगी ये होती हैं फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर और एस पीरियोडिक जो होती हैं ये मैरीन होती है तो हिल्सा और मैक्रेल ये एस मतलब सरडाइन एच मतलब हिलसा एम मतलब मैक्रेल पी मतलब पॉम्फ्रेट तो दीज आर द दिल मैरीन फिश एडेबल मैरीन फिश विच आर द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू कैरी आउट कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए किसका यूज करते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है सीधे से अट में लाइन लिखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करते हैं हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यिल्डिंग वैराइटीज दैट आर हाइब्रिड ब्रीडिंग से हम हाई यिल्डिंग वैराइटीज को डेवलप करते हैं जो कि रेजिस्टेंट होती हैं किससे रेजिस्टेंट होती हैं एनसीईआरटी में लाइन लिखिए रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस अब वाटर स्ट्रेस का मतलब ये भी तो होगा रेजिस्टेंस टू ड्रॉट स्ट्रेस है ना ये भी दोनों बातें सही हो सकती हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वाज नॉट यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज नहीं किया गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर सही है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडेशन सही है एग्रीकल्चर यूजिंग हाइल्डिंग वेराइटीज ये भी जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं जीएम क्रॉप का यूज नहीं किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन में बाकी सारे ऑप्शन यहां पर सही हो जाएंगे ओके ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ब्रीडिंग इज रॉन्ग ब्रीडिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बाई इन ब्रीडिंग प्योर लाइन कैन नॉट बी इवॉल्व प्योर लाइन से इनब्रीडिंग से हम प्योर लाइन को इवॉल्व नहीं कर सकते हैं तो प्योर लाइन को इन ब्रीडिंग से इवॉल्व कर सकते हैं कैन नॉट तो ये गलत हो गया ना कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग इनक्रीजेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगा क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कम्बाइंड ठीक है इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाई है तो यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हैं ए और बी ए और बी दोनों ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे क्लियर बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ब्रीड इज यूज इन पोल्ट्री फार्मिंग पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन में मुर्गी पालन में कौन सी ब्रीड यूज किया था एनसीआरटी में फिगर में, में आपको दिया गया है एनसीआरटी के फिगर में आपको दिया गया है ठीक है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा लेग हॉर्न वैसे पूरा नाम होता है वाइट लेग हॉर्न वाइट लेग हॉर्न हो जाएगा एन एक्सप्लांट इज एक्सप्लांट क्या होता है एक्सप्लांट क्या होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एक्सप्लांट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर ये प्लांट का वो हिस्सा है जिसे टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हिजार डेल हिजारडेल के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नॉट करेक्ट थर्टी टू इट इज न्यूली डेवलप ब्रीड ऑफ सीप सही है इट इज टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग ये भी सही है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ये भी सही इट इज डेवलप बाई क्रॉसिंग बीकानेरी रैम एंड मेरीनो ईव गलत है बीकानेरी ईव होना चाहिए और मेरीनो रैम्स होना चाहिए इसका मतलब डी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग म्यूटेशन ब्रीडिंग से किसे डेवलप किया गया यहां पर ये यह ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अब बताओ कौन सा म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप किया गया था बेटा हाँ बीन हो जाएगा अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी भी मूंग बीन अर्भिनी क्रांति को म्यूटेशन ब्रीडिंग से नहीं डेवलप किया गया था उसको उसमें जीन का ट्रांसफर किया गया था वाइल्ड रिलेटिव से ठीक है जीन का ट्रांसफर किया गया था तो मूंग बीन हो जाएगा यहाँ पर देखो इसका बहुत आसान सा तरीका है एम फॉर द म्यूटेशन एम फॉर द मूंग बीन और कोई दूसरा एग्जाम्पल एनसीआरटी में है ही नहीं

वीट वीट की कौन सी वैरायटी है वीट की वैरायटी हिमगिरी दिल्ली क्या है पूसा सदाबहार इतना मैच के लिए आंसर आ गया आपका ए बी क्यू आर इन पंजाब द फेमस साहिवाल काउ वर डेवलप थ्रू पंजाब में साहिवाल काउ को कैसे डेवलप किया गया था पंजाब में शाही वॉल काउ को कैसे डेवलप किया गया दो चीजें यूज की गई थी एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन और एक डोमेस्टिकेशन है ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज थर्टी सिक्स का सी हो जाए बहुत सारे बच्चे यहीं रह गए आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड काउज डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज सी ऑप्शन होगा मॉइट इज ए मैथड ऑफ मॉइट किसका मैथड द मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर आज मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफर के तरीके आपको एम के बैच में पढ़ाए भी थे है ना एम वाले बैच में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐप पे चलती है क्लास तो यहां पर क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इन कैटल इन ंग भी देखिए रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडी मिल्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई तो ये अच्छा सवाल है बेटा और कोड मैंने आपको बता ही दिया है तो उससे आप आंसर कर लोगे क्या यूज करते, है? करते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग का यूज करते हैं ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री कॉटेज को कहते हैं कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग और एज ओल्ड का मतलब होता है पुराना बहुत पुराना प्राचीन तो प्राचीन कुटीर उद्योग कौन सा एनसीआरटी में दिया गया बेटा बी कीपिंग बी कीपिंग एक प्राचीन कुटीर उद्योग है सोमैटिक हाइब्रिड आर क्रिएटेड बाई सोमैटिक हाइब्रिड को कैसे क्रिएट करते हैं सोमैटिक हाइब्रिड आर क्रिएटेड बाई सोमैटिक्स से यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर फोर्टी हाइब्रिड जैसे पोमेटो बनाया गया ना पोमेटो तो पोमेटो कैसे बनाया गया फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास ऑप्शन हो जाएगा आइसोलेटेड को फ्यूज कराया गया था वाट क्रॉस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूल म्यूल को कैसे बनाया गया किसके क्रॉस से म्यूल को किसके क्रॉस से बनाया गया म्यूल को याद करने का तरीका यह होता है कि म्यूल मतलब खच्चर वो होता है जिसका बाप गधा हो जिसका बाप गधा हो म्यूल होता है ठीक बस ये ध्यान रखना है तो जिसका बाप गधा हो मतलब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस कराने से म्यूल बनेगा अगर फीमेल डंकी और मेल हॉर्स का क्रॉस करा दिया तो उस केस में हिन्नी बन जाएगी हिन्नी तो हिन्नी वो है जिसका बाप घोड़ा है ठीक है मेल हॉर्स यहां पर मेल डंकी हो जाएगा तो बस ऐसे याद रखना कभी गलत नहीं होगा जिसका बाप गधा हो खच्चर टेक्नोलॉजी को किसके लिए यूज करते हैं क्वालिटी ऑफ मिल्क इन वेरियस ब्रीड ऑफ काउस ठीक है द क्वालिटी ऑफ मीट इन वेरियस ब्रीड ऑफ बुल्स सही है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल एनसीआरटी में आपको दिए गए द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सोमेटिक सेल इन ऑल ह्यूमन इज सोमेटिक सेल के बारे में कहा है बेटा तो सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम का कंपोजिशन आपसे पूछा है ऑन ऑल ह्यूमन पूछा है बेटा तो ध्यान से करिएगा तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं और एक पेयर हेट्रोसोम होता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा द टर्म सेरोगेट मदर इज यूज फॉर सेरोगेट मदर किराए की कोक कहा जाता है ना किराए की कोक किराए की कोक तो सेरोगेट मदर आज ही मैंने एम में आपको ये पढ़ाया भी था कितने बच्चों ने की थी वो क्लास एम वाली जिसमें ए मैंने कराया था एसिस्टेड रिपोर्डक्टिव टेक्नोलॉजीजेबी प्रोग्राम इन वीवो फर्टिलाईजेशन आई यू आई आई यू टी आईसीएसआई आई वी आई ये सारी टेक्निक मैंने आज आपको पढ़ाई थी कितने बच्चों ने किया था यस यस लिखेंगे जल्दी से यस काफी बच्चों ने किया था मेंडल चाचा ने किया दिखाने किया था क्लास हिमांशु ने भी की थी रविंद्र ने की थी बिल्कुल रविंद्र ठीक है शिखा चौधरी मिस गार्गी स yes, योगेंद्र ठीक है जॉर्ज मेंडल आए जॉर्ज मेंडल भी आ गए चाचा मेंडल भी आ गए लेबा प्रनो ठीक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की पीडीएफ नहीं मिली है ठीक मिल जाएगी बेटा भी मिल जाएगी ठीक है तो फ्यूचर मदर विथ ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो ठीक है ये टॉपिक हो जाएगा चौध फॉलोइंग प्लांट मटीरियल इज वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द कल्चर मीडियम कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं कल एम की क्लास एक कर लेते हैं एम की क्लास कल आठ बजे कर लेते हैं ठीक है कल आठ बजे आपकी एम की क्लास होगी कहाँ पर अनकेडमी लर्निंग ऐप पर होगी ठीक है टॉपिक तो आप बता दो तो मैं उसी में से सेलेक्ट कर लेता हूँ नारियल पानी का यूज करते हैं बेटा नारियल पानी का यूज करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है क्वेश्चन नंबर इथेनॉल प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है मिथेनोजन गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं कॉलिफॉर्म्स विनेगर प्रोड्यूस करते नहीं विनेगर प्रोड्यूस करता है एसिटोबैक्टर है ना तो ये गलत हो जाएगा स्पेशल क्लास की टाइमिंग है बेटा मेरी नौ बजे एक स्पेशल क्लास होती है लर्निंग पर शाम को नौ बजे और एक क्लास ग्यारह बजे नौ बजे वाली क्लास हो चुकी बजे वाली क्लास अभी होगी नौ बजे वाली क्लास होती है मैराथन और ग्यारह बजे वाली क्लास होती वी आई पी सीरीज विच टाइप ऑफ ओवरी फाउंड इन फैमिली लिलियसी फैमिली में किस तरह की ओवरी पाई जाती है को पढ़ने के लिए आपको सेंट्रल डॉगमा भी पता होना चाहिए ना सेंट्रल सुपीरियर ओवरी होती है ट्राई कार्पलियर सुपीरियर एंड ट्राई ओवरी पाई जाती है म्यूटेशन स्टडी बिकॉज को म्यूटेशन स्टडी के लिए क्यों प्रिफर किया जाता है प्लस पे जल्दी ही क्लास आ जाएंगी बेटा ठीक है लिंक मिल जाएगा बेटा ये लेट्स नीट यूज ये टेलीग्राम चैनल भी है वहाँ ज्वाइन कर लेना ठीक है हाँ रात को ग्यारह बजे बेटा हाँ अभिषेक बिल्कुल बेटा नेक्स्ट चैप्टर कल होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हैप्लॉयड का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनमें रिसेसिव म्यूटेशन आसानी से एक्सप्रेस हो जाएगा डिप्लॉयड में रिसेसिव आसानी से एक्सप्रेस नहीं होगा Inter specific hybridization is the mating of inter specific hybridization. बताइए नंबर टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज और डंकी दो डिफरेंट लेकिन रिलेटेड इन इन टू येलो वायरस एंड पाउडरी मिल्टीवर इंड्यूस्ड बाई म्यूटेशन देखो तीसरी बार सवाल आ गया बेटा कहां पे बात हो रही म्यूटेशन की बात हो रही है और मैंने कोड आपको बता दिया है यूज करोगे म्यूटेशन का मूंग मूंग बीन बीन में बीन में इसका करोगे बिल्कुल रात में ग्यारह बजे क्लास होगी बेटा स्पेशल क्लास अभी बस दस मिनट में स्टार्ट हो जाएगी द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू डेली ग्रो विद्यूट्रिय विद यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन कौन सा गलत है पहला ऑप्शन है टोमेटो विटमिन ए टोमेटो विटमिन नहीं होता है टोमेटो होता है टोटी पोटेंसी पाई जाती है टोटी पोटेंसी का मतलब ये होता है कि आ, उस, उस सेल से नया प्लांट बनने की क्षमता होती है तो लिविंग सेल होनी चाहिए क्वार में तो सेल डेड होती है बेटा तो क्वार की सेल तो नहीं ले सकते जाइलम वेसल की सेल डेड होती है ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता तो इनको नहीं ले सकते बाकी मेरिस्टम ले लो जाइगोट ले लो स्पोर ले लो लिविंग सेल होनी चाहिए वायरल इन्फेक्शन इज यूजली एब्सेंट इन ये मेरिस्टम कल्चर वाला हिस्सा है बेटा है ना आपसे पूछा है कि वायरल इन्फेक्शन जनरली कहाँ पर एब्सेंट होता है कहाँ पर एबसेंट होता है

क्लोरेला hmm. और स्पायरिना का यूज करते स्पायरो गायरा नहीं करना है स्पायरना करना है फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज इनमें से कौन सी फंगल डिजीज नहीं है कौन सी फंगल डिजीज नहीं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स अच्छा सवाल है बेटा ये एनसीआर में दिया गया है लेकिन एनसीआर में सीधा नाम नहीं लिखा है एनसीआर में कुछ क्रोसीफर करके दिया गया है क्रोसीफर्स तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर और क्रूसिफर का एग्जाम्पल है कॉलीफ्लॉर पत्ता वो भी तो सी ऑप्शन हो जाएगा इन टिश्यू कल्चर मीडियम द एम्ब्रॉयड फॉर्म फ्रॉम पॉलन ग्रेन इज ड्यू टू टिश्यू कल्चर टेक्निक में एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन से होता है किस वजह से क्योंकि तो जो पॉलिन ग्रेन होते हैं बेटा इनमें टोटी पोटेंसी पाई जाती है तो टोटी पोटेंसी से एम्ब्रॉयड बन जाते हैं रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट बाई सेल इंस्टेड ऑफ सीड इज नोन एज अरे नया प्लांट का फॉर्मेशन अगर बिना सीड के करा दें तो क्या कहेंगे बिना सीड के अगर नया प्लांट बना दोगे तो क्या कहेंगे हाँ ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है दैट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक द साइंस ऑफ रियरिंग फीडिंग केयर ब्रीडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड रियरिंग का मतलब पालना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्या कहते हैं इसे टेक्निक इज एज एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हजबेंड्री कहते हैं ए गुड ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड इज राइस फील्ड में कह रहे हैं कि कौन सा ग्रीन मैन्योर मतलब हरी खाद की तरह यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी राइस फील्ड में कौन खाद की तरह यूज किया जाता है कल आठ बजे की जो क्लास है बेटा ना तो आठ बजे सुबह में क्लास लूंगा एम सीरीज की अन लर्निंग ऐप पर होगी बेटा और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे दो को डोमिनेंस क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होती है अगर सवाल पूछा जाता है को डोमिनेंस पर डिग्री बनाना सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि पापा का ब्लड ग्रुप ए है मम्मी का बी है बच्चे का क्या होगा और यहीं पर हम ब्लड ग्रुप को कवर कर लेंगे ठीक तो को डोमिनेंस और ब्लड ग्रुपिंग दोनों टॉपिक को हम कल कवर करेंगे MIT की में सुबह आठ बजे ओके सुबह आठ बजे ये क्लास कल होगी आपकी तो गुड ग्रीन मैन्योर इन हो जाएगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा ठीक है बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोड मेरा एच जी लाइव और आज रात में बारह बजे मतलब एक घंटे और आपके पास अगर तीन महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो चार महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा एक महीने का फ्री आपको मिल जाएगा एच जी लाइव को, कोड यूज करेंगे तो टेन परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा ओके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और कल की क्लास के बारे में मैंने बता ही दिया कल हमारी अगली क्लास जो होगी वो होगी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर In human जो बच्चे नए उनको मैं बता दूं कि ये जो सीरीज हम लोग करते हैं दस बजे ये है नीट पंचायत की सीरीज इसमें डेली बेसिस पर एक चैप्टर हम कवर करते हैं क्लास आपकी चलती है मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे यूट्यूब पर क्लास होती है कितने बजे दस बजे शाम को क्लास होती वैसे हम नाइनटी क्वेश्चन करते हैं लेकिन आ, मेरी टीम के बंदों ने छुट्टी करने के लिए सिक्सटी सिक्सटी क्वेश्चन की पीडीएफ बना के वो लोग चले गए थे कल आएंगे वो सब है ना तो कल से 90 क्वेश्चन हम करेंगे मिस मिस गार्गी ओके चाचा आ, नहीं ऑफलाइन क्लासेस होंगी बेटा कल से कल से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी क्लास कल बजे से होगी ना इसलिए आठ बजे क्लास से रख ले रहे हैं और सुबह 6 बजे गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट पे आप जानते हैं कि आपकी जो एन टी मॉक टेस्ट की सीरीज होगी हो ठीक है तो हम लोग अभी मिलते हैं तुरंत दो मिनट में हम लोग मिलते हैं अकेडमी लर्निंग ऐप पर और आज वीआईपी में हम करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके okay बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे बाय बाय टेक केयर लव यू बच्चों तुरंत मिल